द डिवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एट प्री स्कूल लेवल डियर स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में आपसे प्री स्कूल चिल्ड्रन में लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है प्री स्कूल चिल्ड्रेन आर नाट लिटल ऑटोमेटर ईच फॉलोइंग एक्ट लॉक स्टेप स्टेजिज ऑफ डिवेलपमेंट तो वो जो हर बच्चा है वो ऑटोमेटिक नहीं होता बल्कि वो आ, एक सर्टन स्टेजेस को फॉलो करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से और इनसेट ई चाइल्ड इज़ लिसनिंग द लैंग्वेज ऑफ हिज हर इन्वायरमेंट तो चूँकि सबसे ज़्यादा उसका ताल्लुक उसके इन्वायरमेंट से होता है अपने केयरगिवर्स के साथ होता है वहाँ से वो लिसन करता है और ये स्टार्ट ही लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है लिसनिंग से शुरू होता है और फिर उससे वो ट्राई टू फिगर आउट हाउ टू से वट हीर शी वांट्स टू टे तो मतलब वो जो कुछ सुनकर उन वर्ड्स को साउंड्स को सुनता है और फिर उनसे वो वो साउंडस uh, पहले प्रोड्यूस करता है और फिर वर्ड्स की तरफ सफ़र करता है स्टिल देर आर सम पैटर्न दैट आर नाउ बिकमिंग क्लियर तो वो कुछ स्टेप्स हैं जो क्लियर होते जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम टैम सेलो के मुताबिक फॉलोइंग स्टेप्स हैं जो वो बच्चा फॉलो करता है तो मोस्ट चिल्ड्रन बिलो द एज थ्री इन बोथ प्रोडक्शन एंड कॉम्प्रीहेंशन डू नाट फुली अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑर्डर यानी इंग्लिश में जो सेंटेंस का ऑर्डर है वो है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तो कुछ बच्चे इसको वो तीन साल से पहले की एज तक वो इसको फॉलो नहीं कर सकते सो मैनी सेंटेंस टाइप्स यूज आफ्टर एज प्री लर्न विद स्पेसिफिक वर्ब एंड ओनली जर्नलाइज टू द लैंग्वेज रूल्स लेटर इन डिवेलपमेंट तो अगर हम इसको देखें जो आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है इसमें आप हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस को देखें तो प्री प्रोडक्शन है तो इसमें ये ये साउंड्स प्रोडक्शन या वर्ड्स प्रोडक्शन से पहले की स्टेज है और फिर साइलेंट पीरियड है फिर अर्ली प्रोडक्शन है और सिंपल फ्रेजेस वो चाइल्ड बोलता है बच्चा और फिर बेसिक यूज़र है फिर इंडिपेंडेंट यूज़र है और प्रोफिशेंट यूज़र है तो ये आप उसकी जो पैदाइश से ले के आप समझ लें कि पाँच साल तक तकरीबन जाके यानी जब उसका स्कूल जाने का वक्त शुरू होता है तो उस वक्त तक वो अपनी नेटिव लैंग्वेज के के लिए प्रोफिशेंट यूजर बन जाता है फ्रेज़ का इन अदर वर्ड्स द रूल्स मे बी लर्न वन वर्ड एट अ टाइम एक वर्ड यानी इब्त में जब साउंडस के बाद वर्ड्स प्रोडक्शन का मरला शुरू होता है तो वो वन वर्ड एट अ टाइम बोलते हैं और चिल्ड्रन ग्रेजुअली बिगेन टू फॉर्म एब्सटैक्ट अट्रेंस लेवल तो ये जो एब्सटेक्ट अट्रेंस लेवल है ये कहीं बाद में जाके शुरू होता है और कंस्ट्रक्शन बाय क्रिएटिंग एनालिजी एमंग एटरेंसिस तो एट्रेंस uh, के दरमियान जो उनका सेंटेंसिस uh, के स्ट्रक्चर्स हैं सेंटेंसेस के जो वर्ड्स हैं उनका एनालिसिस या उनकी जो कम्बिनेशन uh, है उनको जोड़ना है वो भी जो है वो uh, जैसे ये ये जो लर्निंग प्रोसेस होता है ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है सिंपल टू और ईजी टू डिफिकल्ट ये टीचिंग के हवाले से है लेकिन लर्निंग के हवाले से ये कि पहले हम ईजी चीज़ें सीखते हैं और फिर डिफ़िकल्ट वर्ड्स तो चिल्ड्रन ट्राई टू कैटेगराइज होल ट्रेंड्स एंड लिंग्विस्टिक्स वो उसको कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं और कंस्ट्रक्शन ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल इंटरलेशंस एमंग द कम्पोनेंट्स तो डिफरेंट लैंग्वेज के जो कम्पोनेंट्स हैं उनके दरम्यान इंटर रिलेशन्स हैं उनको स्टडी करते हुए उनको समझते हुए वो uh, जो जैसे साउंड्स हैं साउंड्स के बाद फिर फोनीम्स फोनीम्स के बाद वर्ड्स हैं फिर आगे अगर हम सिंटैक्स uh, की बात करें ग्रामेटिकल सीमेंटिक्स uh, है पहले सेंटैक्स uh, से भी पहले यानी वर्ड्स मीनिंग को अंडरस्टैंड करना फिर इस तरह करके उनको तो ये एक ग्रेजुअल uh, प्रोसेस है और ये ग्रेजुअली uh, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं वो तो बच्चा ग्रेजुअली सीखता है रॉबर्ट ओवन uh, uh, के बकौल तो डिफरेंट उसने जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के जो बच्चों में तीन से पाँच साल के दौरान जो उसके वो मुख्त उसकी वो, वो मराहल तय करते हैं वो उनकी तफसील कुछ इस तरह है कि वैकेबलरी ग्रोथ ये पहला है तो प्री स्कूलर जो हैं कंटिन्यू टू एक्सपेंड देयर वेकेबलरी विद अ रैपिड पेस तो बच्चों को के दरमियान ये जो लैंग्वेज यानी वैकेबलरी ग्रोथ है इसकी आ, स्पीड काफ़ी तेज़ होती है आम तौर पर जो आ, बच्चा है वो डेली पाँच वर्ड सीखता है और छः साल के उम्र तक पहुँचते पहुँचते वो तकरीबन छः हज़ार वर्ड्स वो यूज सीख चुका होता है तो आ, हर साल जो उसकी यानी ये जो जूँ उसकी उम्र बढ़ती है उसकी लैंग्वेज वर्ड सीखने की रफ्तार भी बढ़ जाती है फिर ग्रामेटिकल डिवेलपमेंट और इसके साथ साथ ही प्री स्कूलर्स में जो ही तीन साल से ऊपर बच्चे की एज बढ़ती है वो जो सेंटेंसेस बोलता है सिंगल वर्ड्स के बाद आगे डबल वर्ड्स और फिर टेलीग्राफिक स्टेज है फिर आगे थर्ड थ्री वर्ड्स है तो इस तरह करके उसकी जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सीखा जाता है ग्रामेटिकल रूल्स सीखता जाता है उनको अप्लाई करते हुए तो उसमें फिर ग्रामेटिकल डेवलपमेंट भी होती है और वो आइडियाज़ को कनेक्ट करता है क्लासिस के जरिए और कन्जेक्शन और इंटरजेक्शन वर्ड्स के जरिए फिर अगला मरला है उसका प्रैगमेटिक डेवलपमेंट तो प्रैगमेटिक्स क्या है ये द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन यूज़ तो इसमें ना सिर्फ स्टडी लैंग्वेज की जाती है बल्कि उसकी बोलने वाले के कॉन्टेक्स्ट की भी स्टडी की जाती है तो सोशल कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज की स्टडी की जाती है दे लर्न टू टेक टर्म्स इन कन्वर्सेशन यूज़ पोलाइट लैंग्वेज एंड एडजस्ट देयर लैंग्वेज स्टाइल इन डिफरेंट सिचुएशन मसल जिस तरह वो पेरेंट्स से बात करते हैं वो अपने पीयर्स के साथ उससे मुख्तफ अंदाज में बात करते हैं इसी तरह अगर वो क्लास में जिस तरह बात करते हैं वो लंच पर अपने साथियों से और तरह से बात करते हैं तो इसके बाद है नरेटिव स्किल्स नेरेटिव स्किल्स प्री जो है डेवलपमेंट उनमें ये एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि वो स्टोरीज सुना सकें नरेटिव से मुराद स्टोरीज सुनाना सो दे लर्न टू सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यूज डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज इन स्टोरीज तो स्टोरीज में जो है वो सीक्वेंस है इवेंट्स का और डिस्क्रिप्टिव अंदाज से स्टोरी डिवेल्प uh, करना और स्टोरी सुनाना ये भी वो सीख लेते हैं नेक्स्ट है मल्टी लिंग्विस्टिक अवेयरनेस तो प्री स्कूलर्स डिवेल्प एबिलिटी टू थिंक अबाउट लैंग्वेज अंडरस्टैंड इट्स प्रॉपर्टीज़ तो इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को भी वो सीख लेते हैं दे बिगैन टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ साउंड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस तो इसकी यही तरतीब है एंड दे कैन रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन यूज़ ऑफ लैंग्वेज तो वो अपनी लैंग्वेज के इस्तेमाल पर भी वो अपना रिफ्लेक्ट कर सकते हैं आ ये जो आपके सामने एक जो सी बनी है ये एक्चुअल लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो स्टेजेस uh, हैं इसको हम इससे एक्सप्रेस कर सकते हैं सो प्री वर्बल एंड अर्ली इंटरेक्शंस फिर नेक्स्ट है अटेंशन एंड लिसनिंग है फिर प्ले है तो अंडरस्टैंडिंग है फिर एडल्ट चाइल्ड इंटरेक्शन है फिर यानी uh, ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मूव कर रहा है नीचे से ऊपर और टॉकिंग uh, एक्सप्रेसिव uh, लैंग्वेज है फिर प्रोनंसिएशन स्पीच साउंड्स हैं तो ये मतलब ये देखें कि साउंड uh, से जाके तो प्रोनंसिएशन और स्पेसिफिक स्पीच साउंड्स का बोलना जो स्पीच है वो मुख्तफ साउंड वर्ड्स को मिला कर बनती है मुख्तलिफ़ सेंटेंसेस को क्लास को बना कर बनती है तो बच्चा इस मरल में इनको वो सीखता है